हेलो फ्रेंड, मैं सुषमा मौर्य आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में मैं पेटीकोट की पूरी जानकारी आपको देने जा रही हूं, जिसकी लंबाई 40 और कमर 36 है। ये 2 मीटर कपड़ा है जिसे हम 4 कली का पेटीकोट काटेंगे। ये इंची टेप है नापने के लिए। मिल्टन चौक है जिसे हम निशान लगाएंगे। ये कैंची है जिससे हम कटिंग करेंगे। अब मैं आपको 4 कली का पेटीकोट काटने जा रही हूँ। फ्रेंड, सबसे पहले किनारे को बराबर कर लेते हैं, क्योंकि किनारा बराबर नहीं रहेगा तो कटिंग अच्छी हो नहीं पाती है। सबसे पहले पूरे किनारे को बराबर कर लेंगे, ऐसे तो सिलाई बिल्कुल अच्छी रहेगी। उसके बाद नेफे की कटिंग करेंगे। नेफा बनाने के लिए 5.5 इंच हम नापेंगे। 5.5 इधर से भी निशान लगा लेंगे और इधर से भी निशान लगा लेंगे, बिल्कुल सीधी रेखा। इसके बाद फ्रेंड, सबसे पहले किनारा काटेंगे जो हम डोरी के लिए, डोरी बनाने के लिए एक साइड से 1.5 इंच की कटिंग करेंगे, जो कि डोरी के लिए हमारे रहेगी। 1.5 इंच की मार्किंग हो गई। अब इसको यहाँ से हम काट लेंगे। फाड़ भी सकते हैं, लेकिन कटिंग करने ज़्यादा अच्छा रहता है। अब पेटीकोट काटने के लिए 4 कली के लिए हम इसको 2 पर्त करेंगे। लंबाई को ऐसे, लंबाई में 2 पर्त हो गया। अब इसको बराबर से बिछा करके ये चौड़ाई है और ये लंबाई है, तो हम लंबाई में इसको 10.5 इंच की का निशान लगाएंगे। 10.5 इधर से और 10.5 इस किनारे से। फ्रेंड्स, 10.5 हो जाने के बाद तिरछे कपड़े को ऐसे मोड़ देंगे, ऐसे लंबाई में। उसके बाद बराबर करके इसकी कटिंग कर देंगे। ऊपर से जो जुड़ा हुआ हिस्सा है और नीचे का जो जुड़ा हुआ हिस्सा है, इसको काट देंगे। ये कंप्लीट हो गई, कटिंग कंप्लीट हो गई। अब कोई कोई लेडी जो है उनकी कमर थोड़ी मोटी रहती है, तो ये जो कमर बेल्ट वाला जो हिस्सा है, इसमें हम चाहें तो जितना कम है 4 इंच 5 इंच उसको हम कपड़े को ऐड कर लेते हैं। तो 2 मीटर कपड़े में नहीं हो पाता है तो 2.25 मीटर कपड़ा लेना पड़ता है। फ्रेंड, इस पेटीकोट की कटिंग से जुड़े कोई भी प्रश्न यदि आपके पास हो तो कमेंट करना ना भूलें।
आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।